बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त चरगा बिरयानी की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इसके लिए हमें कौन से इन्ग्रीडियंट्स रिक्वायर होंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने चावल लिए हैं। मैंने पुराने चावल 2 ग्लास लिए हैं, आप अपने हिसाब से क्वांटिटी देख लीजिएगा। इसके साथ मैंने 2 दरमियानी साइज की प्याज ले ली है, जिसको मैंने लच्छेदार प्याज कट कर लिया है। 1 चम्मच बिरयानी मसाला, आप किसी भी अच्छी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्ज मिर्च कटी हुई 1 अदद, 1 टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, आपने हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करना है, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ हमने 1/2 चम्मच, 1/4 चम्मच हमने हल्दी लिया है, 3 अदद मैंने सब्ज़ इलायची ली है छोटी वाली, 1 चम्मच हमने इमली पल्प के साथ ली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने पूरी एक मुर्गी ले ली है साबत, और उसके अंदर मैंने इसको डीप कट्स लगाए हैं ताकि जो मसाला है इसमें अच्छे तरीके से रच जाए। तो चलिए देखते हैं चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर होंगे। मैंने 250 ग्राम दही लिया है, जो एक मुर्गी के लिए काफ़ी है। 1/2 कप सिरका, 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 चम्मच जो है अजवाइन हमने ली है, 2 टेबलस्पून हमने पिसा हुआ सूखा धनिया लिया है, 1/2 चम्मच हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हमने मछली मसाले का इस्तेमाल किया है, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच जर्दा रंग, 2 टेबलस्पून जो है हमने सुर्ख मिर्च पाउडर इस्तेमाल किया है, और 1 चम्मच नमक, आपने हसबे ज़रूरत इस्तेमाल करना। 1/2 चम्मच हमने हल्दी पाउडर इस्तेमाल किया। अब मैं इन तमाम मसालों को दही के अंदर मिक्स करूंगी और इसको मुर्गी पर लगाऊंगी। एक खुला बर्तन ले लिया मैंने परात, उसके अंदर मैंने 1/2 कप जो सिरका है वो लेकर मुर्गी के ऊपर अच्छी तरीके से इसको लगा दिया ऊपर नीचे। अब हम दही लेंगे, दही के अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, सारे मसाले ऐड करेंगे, और इनको अच्छे से मैं मिक्स करती जाऊंगी। अब मैं मुर्गी को इसके अंदर रखकर सारे मसालों को अच्छी तरह मुर्गी पर लगाऊंगी। जो कट्स हैं हमने इसके अंदर भी लगाने हैं अच्छे से, ताकि नमक मिर्च जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं इसको जो टांगे हैं वो एक धागे से बांधूंगी, ये बहुत ही ज़रूरी यहाँ पे स्टेप है, और मैं 24 घंटे के लिए यानी कि पूरे एक दिन रात के लिए इसको छोड़ दूंगी मसाला लगा के। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको पूरी रात जो है वो मैरिनेट करके फ्रीजर में रख दिया था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो इसलिए मैंने इसको पूरा 24 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दिया था। अब ये मैरिनेट हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, इसको स्टीम करेंगे। इस तरह से आपने ये कढ़ाई या पैन जो है वो अपना ले लेना है, और उसके अंदर जो चिकन है वो आपने इस तरीके से रख देना है। रखने के बाद ये जो दही वाला पानी है हमारे पास, जो मसाले वाला है, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो चलिए अब मैं इसको कवर करके चूल्हे पर पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख दिया है। पहले 1-2 मिनट जो है मैं इसको तेज आंच पर पकाऊंगी। जैसे इसको सेक लगना शुरू करेगा हम मीडियम लो आंच कर देंगे, और हर 7 मिनट बाद हम ईच साइड इसको पकाएंगे, और इस तरह आपने कवर करके छोड़ देना। और 1 मिनट बाद जो मैं आंच है उसको स्लो कर दूंगी। अब 7 मिनट हो चुके हैं,
ये आप देखें कि इसने पानी वगैरह अपना खुद ही छोड़ा है। अब हम क्या करेंगे, साइड चेंज करेंगे। तो आपने बहुत ही एहतियात के साथ दो चम्मच ले लेने हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि ये टूटे ना। और अब मैं फिर इसको कवर करके 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। अब फिर से 7 मिनट हो चुके हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये आप ये देख सकते हैं यहाँ यहाँ से कि गोश्त जो है वो हमारा बिल्कुल नियर टू कुक है, ये पकने वाला है। अब हम मजीद क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए व्यूअर्स, अब 7 मिनट हो चुके हैं। अच्छा जी व्यूअर्स, ये अब जो चिकन था हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। अब हम इसको क्या करेंगे, ठंडा करने के बाद फ्राई करेंगे और फ्राई करके हम इसको राइस पर रख कर सर्व करेंगे। चलिए अब हम चावल बनाना शुरू करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने एक पतीली के अंदर 1/2 कप जो है वो ऑयल ले लिया और अब हम इसके अंदर अपनी कटी हुई प्याज को शामिल करेंगे। इसको हमने लाइट ब्राउन कलर तक जो है वो पकाना है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर जो है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, हमारे जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। अब हम इसके अंदर जो है साथ ही अपना थोड़ा सा अदरक लहसुन की जो 1 चम्मच पेस्ट है वो शामिल कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें ये 1 मिनट हो चुका है। अब मैं साथ ही इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को हमने काट कर इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हमने इसको तब तक पकाना है 1/2-1/2 सेकंड के लिए जब तक टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखें व्यूअर्स, जो टमाटर हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स होने लगे हैं। तो अब साथ ही हम क्या करेंगे, अपने मसाले जितने थे हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इमली का पल्प और इसका जो सिरप है वो शामिल करूँगी। इसके साथ हरी मिर्च कटी हुई, सुर्ख मिर्च पाउडर, हल्दी, बिरयानी मसाला, गरम मसाला पाउडर, इलायची, इसको हम थोड़ा सा इसका मुंह खोल लेंगे, और नमक शामिल कर। अब मैं क्या करूंगी, इसको मैं ढांप दूंगी 1 मिनट के लिए। जैसे इमली का पानी खुश्क होगा तो हम इसको 1/2 सेकंड मजीद मसाले को भून लेंगे। 1 मिनट हो चुका है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हमारा मसाला है वो भूनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1, 2, 3, क्योंकि मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे इसलिए मैंने 3 ग्लास जो है वो पानी इसके अंदर डाल दिया है। अब हम इसको 1 उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, पानी उबलने लग गया है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, अपने चावल को ऐड करेंगे। चावल का पानी मैंने अच्छे से निकाल लिया था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब चम्मच अच्छे से हम हला लेंगे। चम्मच चलाने के बाद हम इसको ढांप कर पकने के लिए छोड़ देंगे। हम इसको अब तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और फिर दम लगाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, जो चावलों का पानी है वो बिल्कुल अच्छे से खुश्क हो चुका है। मैं अब इसको दम पर लगाऊंगी 10 मिनट के लिए। अब हमने इसको दम पर लगा दिया है, 10 मिनट बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर जो है हम ऑयल डालेंगे चरवा को फ्राई करने के लिए, और इसको जो है हम गरम होने के लिए छोड़ देंगे।
ये देखें व्यूअर्स, हमने कढ़ाई में ऑयल लेकर इसको अच्छे से गर्म कर लिया। आपका जितना अच्छा घी गर्म होगा उतना अच्छा आपका चरगा जो है वो फ्राई होगा। तो अब मैं इसके अंदर चरगा डालकर इसको फ्राई करूंगी। साथ साथ हम क्या करेंगे, इस तरह इसके ऊपर जो है वो ऑयल डालकर इसको पकाते जाएंगे। फ्राई करते हुए आपने इस बात को याद रखना है कि आपने इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, ओवर कुक नहीं करना। हमने जस्ट इसका कलर चेंज करने के लिए इसके अंदर फ्राई करना है दोनों साइडों से, और फिर हम इसको डिशअप करेंगे। अगर आप इसको ज़्यादा पकाएंगे तो फिर ये सख्त हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, मैंने चरगे को जो है डिश आउट कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें व्यूअर्स, हमारे चावलों को जो है दम आ चुका है। अब हम चूल्हे को बंद करके इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, जो मेरे चावल थे उसको मैंने डिश आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ये देखें व्यूअर्स, हमारी चिकन चरगा बिरयानी जो है वो पककर तैयार हो चुकी है। इसको हमने डिश आउट कर लिया है और सैलड के साथ हमने इसको सर्व किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की ये डिश किस तरह की लगी। इंशाल्लाह कल फिर नई रेसिपीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले आपने क्या करना है, हमेशा की तरह मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोज़ को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।